भाई जो बंदा ऊबर में ओला में जोमेटो में चला रहा है या कोई अभी जो आप ये बाइक देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये है भाई होंडा की शाइन 100। अब होंडा शाइन का तो आपको पता है इंडियन मार्केट में एक अलग ही क्रेज़ है, अलग ही नाम है। पहले होंडा शाइन आती थी उसका कितना अलग तगड़ा क्रेज़ था, एक मतलब 150 cc में आती थी अकॉर्डिंग टू मी, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो देख लो उस हिसाब से। बाकी होंडा शाइन अब भाई क्या करा होंडा ने कि भाई शाइन का नाम यूज़ करते हुए होंडा को, होंडा ने एक 100 cc की बाइक लॉन्च करी होंडा शाइन। अब इस बाइक ने क्या करा भाई, इस बाइक ने ना अलग ही सेल में धूम मचा दी और इस बाइक ने अलग ही इसकी सेल हो रही है। और इस बाइक की सेल क्यों हो रही है इतनी, क्या रीज़न है वो आपको इस पूरी वीडियो में बताऊँगा, साथ ही मैं आपको इसमें प्राइस बताऊँगा। और एक बहुत ही अच्छा ऑफर है कि भाई जो लोग पुरानी बाइक देख रहे हो, पुरानी बाइक लेने की सोच रहे हो, मैं आपको कहूँगा पुरानी बाइक मत लो, नई बाइक शोरूम से निकालो, नई बाइक लेके जाओ। और नई बाइक इतनी सस्ती है ना कि आपको पुरानी महंगी लगेगी, ये बाइक इतनी कम रेट में आपको मिल जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी जेब पे भारी भी नहीं होगी, आप इस बाइक को ईजिली परचेज कर सकते हो अपनी होंडा शाइन को। अब मैं अगर आपको फ्रंट से दिखाऊं तो अगेन फ्रंट से आप देखो भाई होंडा का जैसे डिज़ाइन रहता है, थोड़ा फ्लोटिंग टाइप में डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रंट मास्क का। अगर बात करें इसका डिज़ाइन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर मुझे लग रहा है ये अपना CT 110 से, या फिर बात करें अपनी जो ये आती है अपनी होंडा लीवो जो अपनी यहाँ खड़ी है, देख लो आप होंडा लीवो से मुझे काफ़ी ज़्यादा ये इंस्पायर्ड लग रहा है इसका फ्रंट डिज़ाइन अगर देखा जाए तो, ये वाली और उसके बाद सीटी का तो काफ़ी ज़्यादा फ्रंट से ये सेम देखने को मिल जाती है। बट अगेन सीटी आपके 110 है तो ये अपनी 100 cc की बाइक है। अब 100 cc में ये है तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे और काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स हैं। प्राइस इसका बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखा गया है होंडा की साइड, साथ ही में होंडा की क्वालिटी आप समझ ही रहे हो और होंडा के इंजन की आप समझ सकते हो कि भाई होंडा के इंजन कितने ज़्यादा रिफाइंड इंजन होते हैं। अब अगर वांट करें फ्रंट से तो भाई यहाँ पे होंडा का आपको लोगो मिल जाता है, ये फ्रंट आपको मास्क देखने को मिल जाएगा, फुली फ्लेक्सिबल टाइप इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं और हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट माउंट हो जाएगी। साथ ही में बात करें यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन की तो टेलीस्कोपिक टाइप आपको दो फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और मडगार्ड की बात करें फ्रंट तो आपको ये मडगार्ड जो मिलने वाला है ये मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलने वाला है और फ्रंट में आपको एलॉय मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं MRF के और टायर साइज़ आई थिंक ये इसका टायर साइज़ भी कुछ अलग तरीके से दे रखा है। एग्जैक्टली मुझे ये टायर साइज़ समझ में नहीं आता, 2.0 करके कुछ दे रखा होता है, तो आप एक बार समझ के बताना कि भाई एग्जैक्टली है क्या। मैं आपको टायर साइज़ ज़रूर दिखा देता हूँ इसमें कहाँ दिया हुआ है, अगेन 1 सेकेंड ये अगर आपको मैं दिखाऊँ तो इसके अंदर ये दिया हुआ है एग्जैक्टली, आप ये देखो तो ये दिया हुआ है 2.75 17 इंच, तो बेसिकली 17 तो क्या 17 इंच टायर है, 2.75 आई थिंक इसकी जो वाइडनेस है ये इसको कह सकते हो आप। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रिप वाले टायर मिल जाएंगे, इस तरीके की ग्रिप ना पहले आपको पता स्प्लेंडर या बुलेट वगैरह में ऐसे आते थे टायर इस तरीके की ग्रिप वाले टायर, तो वो मिलेंगे। बाकी MRF के टायर है तो लंबे चलेंगे, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं यहाँ पे। बाकी फ्रंट में आपको सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है तो यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। साथ ही में एक अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे होंडा की, यहाँ नेट के ऊपर आपको एक रबर टाइप मिल रहा है तो ये काफ़ी मेरे को बढ़िया लगा, और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे मिल रही है तो भाई सेफ्टी का भी आपको पूरा ध्यान रखा गया है होंडा की साइड से, तो सेफ्टी में भी होंडा ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं कराया। अब अगर यहाँ पे बात करें साइड से तो साइड में आपको ये कुछ इस तरीके से ब्लैक के साथ साथ आपको ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्राफिक देखने को मिल जाएंगे ये पूरे बाइक में, जिसमें कि यहाँ पे आपको साइड में होंडा का ग्राफिक मिल जाएगा ये ब्लू कलर के ग्राफिक्स, और अगर नीचे जाएँ तो शाइन के ग्राफिक्स और साइड में पीछे ये पूरे ग्राफिक्स। अब इस बाइक में आपको कहीं पे भी 100 cc की बैजिंग देखने को नहीं मिलने वाली, तो कोई देख के ये नहीं कहेगा कि बेसिकली भाई ये 100 cc की बाइक है, क्योंकि बाइक दिखने में तो ये बाइक देखो अगर तो ये बाइक दिखने में काफ़ी लंबी है और मतलब लगने में देखने में आपको फील नहीं आएगी कि ये बेसिकली 100 cc की बाइक है। बट ये आपको बताओ कि यहाँ पे ब्रांड ने कहीं पे भी मेंशन नहीं कराया, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और अगर आपको रियर से दिखाऊं तो भाई रियर से भी अगर आप देखोगे तो रियर से भी कुछ इसका इस तरीके से लुक आपको देखने को मिलने वाला है, विद हेलोजन हेडलैम्प्स एंड हेलोजन इंडिकेटर्स, और ये आपको पूरा मडगार्ड मिलने वाला है, तो काफ़ी बढ़िया मडगार्ड यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप साइड से देखो तो साइड से क्या अच्छा दिया हुआ है भाई, यहाँ पे शाइन देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, सीट देखो कितनी कंफर्टेबल आपको सीट यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, देख रहा हूँ कितनी कंफर्टेबल सी सीट आपको यहाँ मिलने वाली है। और यहाँ पे होंडा की बैजिंग, साथ ही में यहाँ पे आपको 9 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल रही है, बढ़िया सी पेंट क्वालिटी है, देख रहा हूँ कितनी बढ़िया, इसमें ग्लॉस फिनिश है और E20 कंप्लायंट है, तो इथेनॉल 20% इथेनॉल वाला यहाँ पे फ्यूल भी डाल सकते हो। और अब हैंडल की दिखाऊँ तो हैंडल बिल्कुल स्ट्रेट हैंडल बार मिलने वाला है आपको, बिल्कुल अपराइट यहाँ पे बैठने वाले हो तो हैंडल बार में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छी खासी आपको इसमें कंफर्ट राइड मिलने वाली है। अगर सीटी के देखा जाए तो मज़ा आएगा आपको चलाने में इसको, क्योंकि मज़ा क्यों आएगा ना, क्योंकि एक तो इसका इंजन खासी, साथ ही में इसका वेट, तो इंजन जो इसका पावर टू वेट रेशियो वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें यहाँ पर अगर वेट की तो यहाँ पर 99 kg का वेट है, मतलब 100 किलो से भी कम है, 1 किलो कम है, तो भाई काफ़ी लाइट वेट मशीन आपको ये बनाई है होंडा ने, क्योंकि भाई सिटी के अंदर ना हैवी बाइक चलाने में थोड़ी दिक्कत रहती है, आप इसको लोकल एरिया में चला सकते हो तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि मतलब दर्द वगैरह नहीं होता, और तो ना लाइट वेट रहती है तो माइलेज वगैरह भी अच्छी रहती है, और 100 cc के साथ आपको ये पावर भी अच्छी डिलीवर कर पाएगी।
अब यहाँ पे आपको हैंडल बार स्टेट मिलेगा, यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट बटन दिया हुआ है, साथ ही में आपको यहाँ पे हाई बीम लो बीम मिलेगा, इंडिकेटर मिलेगा, हॉर्न मिलेगा, सिंगल हॉर्न आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी की टिपिकली जैसे होंडा की आती है वैसे ही की मिलने वाली है, की में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करे हैं। बाकी यहाँ पे अगर मीटर की बात करें तो मीटर वही है भाई, अपना सीडी वीडी में जैसे आता है वैसे ही इसके अंदर मीटर मिलेगा आपको। 140 की टॉप स्पीड याद रखिए, यहाँ पे आपका स्पीड टोटल कितने किलोमीटर चली वो आ जाएगा। अगेन यहाँ फ्यूल, न्यूट्रल, इंजन माल फंक्शन लाइट, इंडिकेटर एंड हाई बीम, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी ग्रैब हैंडल मुझे बहुत बढ़िया लगा कि भाई ये ग्रैब हैंडल जनरली लोग बाहर से लगवाते हैं, बट यहाँ पे ब्रांड ने फैक्ट्री फिट करके दे दिया आपको ऐसा बढ़िया वाला ग्रैब हैंडल, लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो गई है। अभी बात करें इंजन की तो भाई इंजन आपको मिल जाएगा 100 cc का, जिसमें 7.28 और 8.5 bhp का टॉर्क मिल जाएगा, 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड 7.28 bhp ऑफ आपको यहाँ पे पावर मिल जाएगी। तो ये देख सकते हो भाई अच्छा खासा इसमें आपको पावर और टॉर्क मिल जा रहा है देखने को, और 100 kg है तो आपको समझ सकते हो कि भाई बढ़िया माइलेज भी मिलेगी, साथ में आपको जो पावर है मतलब इस 100 cc के इंजन के साथ तो पावर भी आपको अच्छी मिलने वाली है, साथ ही में आपको फ्यूल इंजेक्टेड यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको ये आपको फ्यूल इंजेक्टर के साथ मिल रहा है, देख लो ये पूरी थ्रॉटल बॉडी यहाँ पे दे रखी है। और उसमें अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको रिजर्व सिस्टम भी मिल जाता है, क्योंकि भाई इसका जो ये जो है ना क्या कहते हैं बेसिकली इंजेक्टर वो आपको टैंक से बाहर मिलता है, फ्यूल टैंक से, तो वो अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मिनिमम फ्यूल वाला आपको जनरेट खत्म हो जाता है। और बाकी किक स्टार्टर आपको देखने को मिल रहा है, ये साइलेंसर आपको बड़ा सा साइलेंसर देखने को मिल रहा है ये आपकी जो प्लेट के साथ, तो प्लेट बेसिकली सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे स्किड प्लेट देखने को मिलने वाली है। रियर में आपको टेलीस्कोपिक टाइप सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, और अगर रियर में आपको इधर से दिखा दूँ मैं तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड लेग गार्ड भी मिल जाएगा, फुल चेन कवर मिल जाता है देखने को, और आपको प्लास्टिक टाइप में ये फुल चेन कवर देखने को मिलेगा। बाकी ये इसका ये जैसे राउंड शेप में आपको पूरा स्विंग आर्म देखने को मिल जाएगा, जैसे जनरली अदर 100 cc बाइक में आता है, तो इसमें भी आप उसी तरीके का देखने को मिलने वाला है। बाकी चार यहाँ पे गियर दिए हैं, साइड स्टैंड मिल जाएगा, सेंटर स्टैंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये राइडर पिलियन के लिए फुट रेस्ट है, ये राइडर के लिए फुट रेस्ट है, बाकी यहाँ पे लेडीज़ फुट रेस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें सबसे जो बेस्ट लगा मेरे को वो लगा इसका प्राइस, इसका प्राइस मैं आपको दिखा दूँ अगर तो बेसिकली अगर आप प्राइस देखोगे तो देख लो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, जो कि अपनी होंडा मतलब मालवा होंडा ये शोरूम है, तो यहाँ पे देख लो काफ़ी सारी ये बाइक्स खड़ी हैं और यहाँ पे सबका प्राइस मेंशन है। सबसे अच्छी बात क्या है ना, मालवा होंडा आपको होंडा शाइन के ऊपर, जैसे इन्होंने क्या चीज़ माइंड में रखी कि भाई जो बंदा ऊबर में, ओला में, जोमेटो में चला रहा है या कोई दिल्ली के बाहर से आया है, वो दिल्ली में अपना खुद का काम करना चाहता है, जैसे जोमेटो ऊबर में या किसी में डिलीवरी वाले में सब में काम करना चाहता है, जॉब ढूंढना चाहता है, तो भाई जो बाहर से बंदा आता है ना तो वो आगे पैसे कमाने की सोचता है, क्योंकि उसके पास जेब में इतने पैसे होते नहीं है कि वो एक नई बाइक खरीद ले। तो जनरली बंदे पुरानी बाइक खरीदते हैं, 15-20 हज़ार रुपये लगा के पुरानी बाइक खरीदते हैं और उसमें वो फंस जाते हैं, फिर वो पुरानी बाइक क्या करती है, खर्चा मांगती है तो बार बार उसमें खर्चा करते हैं, वो और महंगी पड़ती चली जाती है। इससे बढ़िया कि ये मालवा होंडा वालों ने ये चीज़ सोच रखी है अपनी कि भाई आपको एक बढ़िया डील दी जाए। डील क्या दी इन्होंने कह दिया भैया 64,900 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस है। अब आपने क्या करना है, बेसिकली इसका जो रोड टैक्स है और जो इसका इंश्योरेंस है वो लगभग 11-12 हज़ार रुपये का पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे करना है। अब आप चाहे कैश पे करो चाहे आप UPI करो, वो आपको फुल अमाउंट आपको पे कर देना है। होंडा शाइन के लिए बता रहा हूँ, ये ऑफ़र सिर्फ होंडा शाइन के लिए है और आपको वो पे करना है। उसके बाद क्या होगा, आप 2,000 रुपये, मात्र 2,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट देनी है और आपकी बाइक फाइनेंस हो जाएगी। बेसिकली अगर बात करें तो 14,000 रुपये, 13-14 हज़ार रुपये देने हैं आपकी बाइक के लिए, जिसमें आपका इंश्योरेंस और सब कुछ चले जाएगा और आपकी बाइक जो फाइनेंस होगी वो होगी एक शोरूम प्राइस के ऊपर। तो आपको 64,900 के ऊपर आपकी बाइक 2,000 रुपये में, मात्र और मात्र सिर्फ 2,000 रुपये में आपकी बाइक को आप फाइनेंस करा लेना, और बाकी का जो अमाउंट है आप इसको अपने अकॉर्डिंगली EMI करा सकते हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अपने अकॉर्डिंगली आप EMI करा के बाइक कर सकते हो होंडा मार्वल से, जो कि शोरूम है देवली रोड खानपुर में, यहाँ विजिट कर सकते हो। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये यहाँ पे डील है, अब ये डील कैसी लगी एक बार आप ज़रूर कमेंट करके बताना। जो भी भाई कह सकते हैं ना मतलब जिनको भी काम धन मतलब काम वाम करने की सोच है, अगर आपको काम करने का मन है तो आप डायरेक्टली ये बाइक परचेज़ करके आप अच्छी माइलेज लोगे। माइलेज की बता दूँ मैं आपको इसके अंदर, तो इसमें 9 लीटर की फ्यूल टैंक मतलब फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। 9 लीटर के अंदर आप कम से कम इसके आपकी बाइक जो माइलेज अभी कस्टमर यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, जो ये शोरूम ने मुझे बताया जो कस्टमर यहाँ पे क्लेम करके गए हैं भाई, 70 से 75 की माइलेज मतलब 70 से 75 की माइलेज ही देती है। मैं समझ लो आप भाई कितनी बढ़िया यहाँ पे माइलेज मिल रही है। तो आपको एक बार टैंक फुल कराना है और आपको ज़्यादा लंबा सोचना नहीं है, आपके पैसे भी बचाएगी, जो पैसे आपने आप फ्यूल में बचाओगे वही पैसे आपको यहाँ पे EMI में देने हैं। तो बेसिकली आपकी जो बाइक है ना वो आपको बिल्कुल जीरो पड़ने वाली है, आपको कोई भी जेब से पैसा नहीं जाएगा, बट आप जो पेट्रोल में पैसा बचा रहे हो वो आप अपनी EMI में दोगे। और डाउन पेमेंट वगैरह आपकी तो वैसे 2,000 रुपये में करवा दी, अब 2,000 रुपये आपको कोई पुरानी बाइक भी नहीं देगा, यहाँ आपको ब्रांड भाई न्यू ब्रांड न्यू बाइक दे रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से कलर पसंद करो, जो आपको कलर चाहिए
वो कलर लो और आपने ये बाइक को अपने घर ले जाओ बिल्कुल ब्रांड न्यू डिलीवरी के साथ। सो भाई एक बार कैसी लगी ये ऑफ़र ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों यारों के साथ फैमिली में शेयर कर देना वीडियो को भरपूर एकदम दबा के। सो भाई जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया अगर आपको ये जरा सी भी अच्छी लगी है तो भाई वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, बाकी वीडियो कर दो शेयर अपने यारों दोस्तों के साथ। अगर किसी को भी एक लोकल में घूमने के लिए एक अच्छी बाइक चाहिए तो भाई आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि भाई होंडा की रिलायबिलिटी भी है साथ में माइलेज भी है, लोकल में माइलेज ही चाहिए होती है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे और अगली अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए अपना प्यार ऐसे बना रखें, टिल देन सी यू, ओके बाय बाय।